गोपालगंज में भी काफ़ी संक्रमण निकलने लगा है, पॉजिटिव आने लगे हैं लोग। विशेष रूप से कल बैकुंठपुर में जो हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया वहाँ काफ़ी निकले थे, और गोपालगंज टाउन, वीरगंज, खावेन, इन तीनों जगह में भी काफ़ी संख्या में पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, जो दुकानदार हैं या हमारे हॉस्पिटल में भी मिले हैं लोग। तो इसको देखते हुए कि संक्रमण आगे नहीं बढ़े, रोकना भी आवश्यक है, और लोग बहुत मार्केटिंग में बहुत काफ़ी भीड़ भाड़ लोग लगाने हैं जिससे संक्रमण और बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए गोपालगंज में, थावे में और मीरगंज में, इन तीनों में कल से यानी 11 की सुबह से 18 की सुबह तक यानी 7-17 तक के लिए हम लोगों ने ये लॉकडाउन कंप्लीट लगाया है, जिसमें दुकानें सभी बंद रहेंगी, लेकिन जो खाद्यान्न के सामान हैं, फल है, सब्जी है, ये सब 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, और मेडिकल ये सब 24 घंटा, उसके लिए कोई रोक नहीं है। डॉक्टर्स पर रोक नहीं, सरकारी कर्मी, सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे कुछ कार्यालय, और उनके आने जाने पर वाहन पर हम लोगों ने रोक नहीं लगाया है, लेकिन वाहन में रिस्ट्रिक्शन है कि मोटरसाइकिल में 2 आदमी बैठेंगे, वाहन जो भी दूसरी वाहन है तो उसमें जो क्षमता उससे अधिक नहीं बैठेंगे, और मास्क कंपलसरी लगाएंगे, नहीं तो जो नियम है उसके हिसाब से। तो इस तरह से 4 जगहों पर लॉकडाउन का घोषणा किया गया। हाँ, 3 शहर हो गए, और एक तो वहाँ पर बैकुंठपुर में हम लोगों ने, बैकुंठपुर प्रखंड में सिर्फ हम लोगों ने किया था, और अभी चूँकि ज़िला में लगाने की बहुत आवश्यकता इसलिए नहीं लगी कि बहुत सारे ब्लॉक्स में हम लोग काफ़ी संख्या में जांच करा रहे हैं, और बहुत ही नॉमिनल, मतलब 1-2 करके कहीं कहीं मिला है। ऐसा अभी नहीं लगता है कि हम लोग के यहाँ पूरे ज़िला में कम्युनिटी प्रॉब्लम है, लेकिन इन 3 शहरों में बहुत भीड़ होती है, लोग आते जाते हैं, तो यहाँ संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इन 3 जगह किया। और चूँकि वहाँ बैकुंठपुर में तो काफ़ी संख्या में 1 ही दिन में हॉस्पिटल में भी निकल गए, और बाज़ार में भी बहुत सारी पॉजिटिव लोग निकल गए, मतलब 1 दिन में 95 जांच कराए थे तो 61 लोगों को पॉजिटिव निकल गया था, और वो पूरे पंचायतों में था, कहीं कहीं के लोग थे, तो इसलिए वहाँ लगाना मजबूत ज़रूरी था। अदरवाइज़ अभी हम लोगों के ज़िला में इस तरह का कोई महसूस नहीं किया जा रहा है कि पूरे ज़िला में लगाएं, लेकिन ये 3 शहर जहाँ भीड़ भाड़ होती है और जो कुछ लोग पॉजिटिव ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए असुविधा नहीं हो इसके लिए। सभी खाने पीने की दुकान और सब्जी फल इत्यादि की दुकान जो आवश्यक है, दवा की दुकान, नर्सिंग होम, डॉक्टर, ये सब इनसे छूट है, और एग्रीकल्चर का सामान, ये सारा चीज़ इससे छूट है, ये लोग अपना काम करेंगे, लेकिन 10 से 4, और बाकी जो है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं, और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट, वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज, नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद, हम हैं आपके साथ।